सिस्टम को हमेशा से सूट करती है कि चलो हमारी जान छूटी या आपस में लड़ते रहेंगे। और जब तक लड़ाई का फैसला नहीं हो जाएगा तब तक चीजें टलती रहेंगी, तो ना भर्ती इनको मिलनी ना उनको मिलनी। फिर तब ये भी एक बड़ा खतरा है। और एक दूसरा भी मसला जिसके लिए मैं आज बहस लाया हूं, वो उसमें यह भी मसला महत्वपूर्ण है कि बीएड वालों को एक सरकार की राजाज्ञा के अधीन ही प्राइमरी में टीचिंग के लिए एलिजिबल माना गया था, उनकी भर्ती भी हुई प्राइमरी टीचर्स के तौर पर। लेकिन सरकार का नोटिफिकेशन कहता था कि इनको छह ज्वाइनिंग के छह महीने के भीतर ब्रिज कोर्स करा दिया जाएगा बीएड वालों। किसी सूबे में ब्रिज कोर्स हुआ क्या, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश? अब क्यों नहीं कराया ब्रिज कोर्स? क्या ये ब्रिज कोर्स खुद करने की जिम्मेदारी छात्रों की थी, युवाओं की थी, या इसके लिए नोटिफिकेशन में था कि भाई बेसिक शिक्षा विभाग जो है वो ब्रिज कोर्स कराएगा शासन? अब ब्रिज कोर्स भी नहीं हुआ तो जिनकी नौकरी लग चुकी वो भी जाएंगे। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक खबर कलकत्ता से आ रही, कोलकाता से। कोलकाता हाई कोर्ट ने राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश दिया है एक याचिका की सुनवाई पर कि वो कल तक यानी 18 अगस्त तक हाई कोर्ट को वो लिस्ट दे अपडेटेड करके, जिससे ये पता लगे कि इसमें बीएड के जितने लोग प्राइमरी टीचिंग में भर्ती हुए उनको ब्रिज कोर्स कराया गया कि नहीं कराया गया, और कराया गया तो कितनों को कराया गया। ये एक कोलकाता हाईकोर्ट का आज का डेवलपमेंट है। राज्य सरकार ने भी मांगी है सूचना अपने शिक्षा विभाग से, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई ब्रिज कोर्स नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब इस गलती की सजा भी युवा भुगतेगा? भाई जब आपने एक नोटिफिकेशन निकाला कि ब्रिज कोर्स कराएंगे इनको बीएड वालों को, तो क्यों नहीं कराया? करा दिए होते तो वैसी स्थिति नहीं आती शायद जो आज आ गई। अब क्या समाधान निकालेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें प्रक्रियागत दोष भी है नोटिफिकेशन में और उसके क्रियान्वयन में। तो कुल जमा तस्वीर ये कि संघर्ष ही संघर्ष है। और मेरा प्रश्न ये कि क्या हम उत्तर प्रदेश में लाखों लाख और देश में एक करोड़ से ज्यादा नौजवानों को सड़क पर धरना प्रदर्शन करने के लिए, अवशप्त रहने के लिए छोड़ सकते हैं? क्या शासन और सत्ता की जिम्मेदारी नहीं है कि कोई रास्ता निकलना चाहिए, कोई समाधान होना चाहिए? समाज की समस्याओं के प्रति सत्ता की संवेदना तो होनी ही चाहिए। और अगर रास्ता समाधान का ढूंढा जाए जिससे जिसमें टकराव न हो, समन्वय हो, समाधान हो, तो शायद इस तनावपूर्ण स्थिति से भी बचा जा सकता है जो देश भर में पेनिट्रेट कर रही है, फैल रही है, बीएड वर्सेस वीटीसी। यहां पर राजनीतिक पहल की जरूरत है, यहां पर प्रशासनिक पहल की जरूरत है। समाधान खोजना सरकार की जिम्मेदारी होती है और शासन की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि समाज का कोई भी वर्ग अशांत रहे और उसको धरना प्रदर्शन जैसी स्थिति का सामना करना पड़े तो ये शासन की सत्ता के संवेदना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें।
भारतीय जनता पार्टी के नेता अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। अवधेश जी का स्वागत है। कपीश श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कपीश जी का स्वागत है। मुकेश रॉयल जी हैं, बीएसटीसी के याचिकाकर्ता थे मुकेश जी, मुकेश जी का स्वागत है। सत्यम पाठक जी हैं, ये बीएड के अभ्यर्थी हैं, सत्यम जी का स्वागत है। सत्यम जी, आज धरना है लखनऊ में, हम देख रहे थे सुबह से, क्या चाहते हैं, क्या अब जिस स्थिति पर ये मसला आके खड़ा हो गया, आप लोगों को क्या समझ लगता है कि क्या विकल्प हो सकता है? हमें चाहिए अध्यादेश, तो ठीक है, ये नारा हो सकता है, लेकिन इसमें एक पेच ये भी है कि भाई जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में केवल 22,000 से ज्यादा अध्यापक हैं जो बीएड किए हुए हैं, वो प्राइमरी में नौकरी कर रहे हैं टीचिंग स्टाफ के तौर पर, और ब्रिज कोर्स देश भर में किसी ने नहीं किया, किसी अधिकारी को एबीसीडी नहीं पता ब्रिज कोर्स की। वो उस दिन जब हमने मुद्दा उठाया तो फाइल खोजनी शुरू की, बोले ब्रिज कोर्स क्या होता है पता करो, क्या उससे पहले सब सो रहे थे, तो क्या समाधान हो सकता है? देखिए सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद TV9 उत्तर प्रदेश का हमारी आवाज उठाने के लिए। सर मेरे पीछे आप हजारों की संख्या देख रहे हैं, ये उन परिवारों के बच्चे हैं जो बीएड डिग्री धारकों की मांग लेकर के सड़कों पर उतरे हैं। इनका दोष सिर्फ इतना था कि इन्होंने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को देख करके बीएड किया था। बड़ी सीधी सी मांग है सर, ब्रिज कोर्स की जहां तक बात है, सरकार 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन में अगर क्लियरली इस चीज को मेंशन कर दी होती कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, तो हम बीएड नहीं बीटीसी कर लेते। लेकिन चूंकि बीएड डिग्री धारकों ने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को देख करके मेंशन किया और उसमें ब्रिज कोर्स का प्रावधान भी किया, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार बीएड डिग्री धारकों के लिए ब्रिज कोर्स का डिजाइन करे, सिलेबस डिजाइन करे, उसको कराए। अब स्थिति यह है कि सर सरकार की गलतियों का खामियाजा हम क्यों भुगतें, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो आपने बात कही सर, देखिए बड़ी सीधी सी बात है, मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा और आंकड़ा सर बड़ा क्लियर है। 13 लाख पूरे प्रदेश में और 1 करोड़ पूरे बीएड में, पूरे देश से बीएड डिग्री धारक हैं। 13 लाख में से 3 लाख बीएड डिग्री धारक तो ऐसे हैं सर जो सब्जेक्ट कंबिनेशन की वजह से टीजीटी और पीजीटी का भी फॉर्म नहीं भर सकते। ये जाए तो जाए कहां, सरकार से सीधी तौर पर मांग है। और ये सब पीछे देख रहे हैं, इन छात्रों का सपना था प्राथमिक शिक्षक भर्ती का बनने का, बिहार शिक्षक भर्ती 24 तारीख को परीक्षा थी और ये लोग तैयारी कर रहे थे, और सोचिए कि स्थितियां ये हुई कि ये तैयारी छोड़ करके अलग अलग जिलों से आकर के आज लखनऊ में धरना कर रहे हैं और सरकार के पास वक्त नहीं है अध्यादेश जारी करने। तो हमारी तो साफ तौर पर मांग है कि क्लियरली मेंशन कर दिए होते कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं सम्मिलित होगा तो शायद हम लोग बीएड ना किए होते। अब सरकार की गलतियों का खामियाजा हम क्यों भुगते, 5 साल का वक्त, 2 लाख रुपए और उसके बाद ये सब गया और कह दिया जाए कि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं होगा। ये दर्द हमसे पूछिए, ये दर्द हमारे पीछे बैठी महिलाओं से पूछिए, ये हमारे बीच में जो छात्र बैठे हैं उनसे पूछिए। सर सरकार की गलतियों का खामियाजा हम नहीं भुगतना। ठीक है सत्यम, रुकिए रुकिए रुकिए, ठीक है सत्यम, अभी रुकना होगा, दोबारा में आएंगे आपके पास। मुकेश भाई, आपने याचिका की थी इस मसले पर, जिसको फिर हाईकोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक गया और उस पर एक निर्णय आया देश की सबसे बड़ी अदालत की। जी सर, आपकी मुख्य आपत्तियां क्या हैं? सर हमारी आपत्ति ये थी कि क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, ये मुद्दा रोजगार का नहीं है, ये मुद्दा रोजगार का बनाया जा रहा है, ये मुद्दा उन नन्हे मुन्ने बच्चों का है जो 40 से 50 करोड़ देश के अंदर गरीब बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं, प्राइमरी स्कूलों में, उन बच्चों को क्या क्वालिटी एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं है? क्या उनको अप्रशिक्षित शिक्षक पढ़ाएंगे? हमारा मुद्दा रोजगार का नहीं है, ये मुद्दा है एजुकेशन देने का, देश भर के विद्यार्थियों को एजुकेशन, बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को एजुकेशन प्रशिक्षित शिक्षक में, शिक्षकों से मिले। जो सरकारी स्कूलें हैं उनमें एक प्रशिक्षित शिक्षक जाएगा, आप एजुकेशन प्रशिक्षित तो शिक्षकों को बाद में कर रहे हैं, पहले आप उनको टीचर बना रहे हैं। उन नन्हे मुन्ने बच्चों की क्या गलती है, उनका खामियाजा कौन देखेगा, उनकी आवाज कौन उठाएगा? कोर्ट ने, मैं सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस संज्ञान लिया कि वो किस बात का टीचर लगा रहे हैं जो प्रशिक्षित ही नहीं है जी। लेकिन एक मुकेश जी, एक सवाल खड़ा होता है, जो स्कूल चलाती है सरकारें, स्कूल चलाती है, कोर्ट तो चलाते नहीं स्कूल, ठीक, सरकारें ही चलाती हैं, वही पाठ्यक्रम बनाती है, टीचर कौन हो नहीं हो इसके नियम कायदे भी सरकारें बनाएंगी और वही बनाती भी हैं, ठीक। ये ऐसा तो हुआ नहीं कि ये बीएड वाले
अपने मन से कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिए और जबरिया घुस गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। बात सुनो पहले भाई, बात सुनो, ऐसे बहुत तेजी में नहीं भागो, धीरे धीरे, ठीक। जबरिया तो कोई घुस नहीं सकता, ऐसा तो देश में अभी अराजकता है नहीं, बोले ना ना हम भी आएंगे, ऐसा तो संभव नहीं। क्या सरकार ने नियम बनाया, गजट किया, क्यों किया? आज जो कहा जा रहा है कि वो अनर्थ था, तो मैं सिर्फ, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे लिए दोनों समान, चाहे बीएड का हो चाहे बीटीसी का हो, मेरे घर के दो लड़के, लेकिन मेरा प्रश्न ये, जिन विद्वानों ने ये नोटिफिकेशन